अगर आप सैकुलेंट प्लांट के शौकीन हैं, तो फिर आपने सैकुलेंट फैक्ट्री का नाम तो सुना ही होगा। आज हम सैकुलेंट फैक्ट्री से आए हुए कुछ प्लांट्स का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो बॉक्स आया है सैकुलेंट फैक्ट्री की तरफ से, उसको मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर इस बॉक्स में 28 प्लांट्स का एक सेट है जिसकी कीमत 1699 रुपीस है। सैकुलेंट फैक्ट्री से रिलीज होने के बाद 4 दिन में मेरे पास ये बॉक्स आ चुका है। डिलीवरी स्पीड अच्छा होने के कारण मैं आशा करता हूँ अंदर पौधे का हालत अच्छा हो। अब बॉक्स खुल चुका है, अब अंदर देखते हैं कौन कौन सा प्लांट्स है और उनका हालत किस तरीके का है। न्यूज़पेपर से अच्छी तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं पौधे को निकालता हूँ। पौधे का हालत अच्छा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे को अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से रैप किया हुआ है। पौधे के कुछ पत्ते तो डैमेज हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में पौधा सही मुझे दिख रहा है। अब मैं दूसरे पौधे को निकालता हूँ। इस पौधे से काफ़ी सारा पत्ता निकल चुका है, लेकिन फिर भी पौधे का हालत अच्छा ही लग रहा है। पौधे के साथ आपको कोई पॉट नहीं मिलता, ये एक प्रॉब्लम है कि आपको इन पौधे को जल्दी से नए पॉट में रिपोर्ट करना होगा। कुछ पौधे के पत्ते में मुझे फंगल अटैक भी दिख रहे हैं। अब मैं तीसरे सैकुलेंट के पौधे को निकालता हूँ। इस पौधे से भी काफ़ी सारा पत्ता रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी पौधे का हालत अच्छा ही लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं सभी पौधे को बॉक्स से निकाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सभी पौधे को पैकेट से निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे का कंडीशन किस तरीके का है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको पौधा खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी पौधे का नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको सभी पौधे को एक एक बार करके दिखाता हूँ। इन पौधे को खरीदने के बाद इनको जल्दी से जल्दी एक छोटे साइज के पॉट में रिपोर्टिंग करना होगा। सैकुलेंट और कैक्टस के लिए जो सॉयल मिक्स बनाया जाता है, उस सॉयल मिक्स में मैंने सैकुलेंट के सॉयल मिक्स के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ पौधे आए थे जो पहले से ही सरे हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो 4-5 पौधे हैं ये सर गए हैं, इसका हालत तो और भी खराब है और इसका भी। ये कुछ पौधे सर गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये भी ग्रो हो जाए। ये जो पौधे हैं जो सर गए हैं, ये बॉक्स के बिल्कुल नीचे की तरफ थे और इसके ऊपर जो न्यूज़पेपर लगा हुआ था वो भी पूरा गीला था। शायद बॉक्स के ऊपर से सारा पानी नीचे की तरफ चला गया और इनके ऊपर जो न्यूज़पेपर लगा था उनमें जम गया और इसके चलते ये पौधे सर गए। अब मैं इन पौधे को छोटे छोटे पॉट में रिपोर्टिंग कर लेता हूँ,
उसके बाद जब पौधे ग्रो हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट वीडियो शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साकोलैंड फैक्ट्री का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर उसे चेकआउट कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।